गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम समझाने जा रही हूँ। नंबर किसे कहते हैं? इट मींस दैट समथिंग यू वुड काउंट, जिसको आप मतलब कि आसानी से काउंट कर सकते हैं वो आपका नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर, दे आर द काउंटिंग नंबर्स डिनोटेड बाय n। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, जिसको आप मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर, द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर एंड डिनोटेड बाय w। मतलब होल नंबर है वो, उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है। लेकिन जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लिखेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल डेट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एंड डिनोटेड बाई जेड। इंटीजर्स जो होता है वो पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है और जीरो में भी होता है, बट ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होता है। जैसे नॉट नंबर लाइक 3/4, 1/2, 1.15, 6.7 एटसेट्रा आर नॉट इंटीजर्स। ये इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स जो आपके होते हैं या तो पॉजिटिव वैल्यू जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या -1, -2, -3, ये आपका इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया गया निगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, -6, -5, -4। पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव में हो। नॉन निगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। इरेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रॉम p अपॉन q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर वो होता है जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखते, और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के फॉर्म में नहीं होता है। रेशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज डिनोटेड बाई q। रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ p इक्वल टू 4, q इक्वल टू 3, देन r इक्वल टू p अपॉन q, यानी 4/3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, q जो नीचे का होता है पार्ट वो कभी भी 0 नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे लेकिन 0 नहीं ले सकते, मतलब 4/0 है, इट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टू टुगेदर आर नॉन एज रियल नंबर डिनोटेड बाय r। रियल नंबर को किसे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। मतलब ये कहना है ये चीज चाह रहा है, जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं, 0.4444, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 1.32, 3232, सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि टर्मिनेटिंग, मतलब आपको कोई भी वहाँ पे दे देगा और पूछेगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप ध्यान रखना किसमें सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है और इसकी एंडिंग होने की चांसेस है, तो ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। जैसे एग्जांपल देखिए 1.41421356 23, इसमें मतलब अलग अलग वैल्यू है, इसमें सेम चीजें नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के साथ इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? दिस नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड एग्जांपल 2, 5, 3, 7, 11, 13। मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में ना आए। जैसे 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 3 भी खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। जैसे 9 आप नहीं ले सकते क्योंकि बिकॉज 9 3 के टेबल में भी आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में ना आए। कंपोजिट नंबर,
This number having factors more zero is a rational number. Sorry, this number having factor more than one, जिसके एक से ज़्यादा factor होते हैं, इसमें छूट गया तो आप लोग write down कर लीजिएगा. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका एक से ज़्यादा होता है फैक्टर. जैसे एग्जांपल एट, तो एट किसका किसके टेबल में आता है? वन में भी आता है, टू में भी आता है, फोर में भी आता है. तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा. और एक चीज़ हमेशा पूछता है, जीरो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? तो जीरो रैशनल नंबर है. ओके, साथ ओके, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं. इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट आइदर फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो.